शमी भाई, मुझे पता है कि जब आप बहुत जीत आपको हासिल हुई, लेकिन एक वो हार सबको चुभ गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, आपको तो बकायदा गले भी लगाया था। आपको लगता है ये ज़रूरी था? आप चाहेंगे कि आगे भी जीत हो के हार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, खिलाड़ियों से बात करें? देखिए, हार जीत तो पार्ट ऑफ द गेम है, आप उसको बदल नहीं सकते। एक टीम को हारना है, एक टीम को जीतना है, वो तो एक पार्ट है उस गेम का। लेकिन एक अच्छाई, एक लीडरशिप वहीं पे दिखती है जहाँ पे आप नीचे लगे हो या ऊपर चढ़े हो, उसमें कोई फ़र्क, उसको कोई लेवल दिखाई नहीं देता। वो अपने टीम के साथ है, अपनी यूनिट के साथ है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ कि जब हमारे दिल टूटे हुए थे, जब आँख में आंसू थे, जब हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सामने रखा था, तब मोदी जी आए, उन्होंने सबसे बात की, सबको मतलब वो कॉन्फिडेंस दिया कि आप चाहे जो भी करो, बहुत अच्छा खेले हो आप लोग, हम आपके साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है। तो वो चीज़ जब सुनने मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पर शमी साहब, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये आए इसलिए हार गए, पनौती जैसे शब्दों का भी बकायदा इस्तेमाल हुआ था, और आपने सुना होगा, मैं मुझे यकीन है। यार, ये तो अब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता, लेकिन समझ में नहीं आता कि सम टाइम अब किसी के आने से या किसी के जाने से हमें ग्राउंड में क्या फ़र्क पड़ रहा था। हम अपना 100% दे रहे थे वहाँ पे, हम अपना जान लगा रहे थे वहाँ पे, हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये ट्रॉफी जो सामने रखी है ये हमारे पास रहे, हमारे देश के पास रहे, बाकी हमें कुछ नहीं दिखता बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, उस दिन कौन सबसे ज्यादा ड्रेसिंग रूम में रोया था? सब रोए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सभी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि 2 महीने की मेहनत है यार। एक वर्ल्ड कप भी एक ऐसा होता है, वर्ल्ड कप तो छोड़ो, मैं कहता हूँ जब आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हो गया है। आप जब कंट्री खेलते हो तो आपको समझ में नहीं आता बोलना क्या है, और उसमें से फिर अगर आप वर्ल्ड कप खेलते हो, मुझे लगता है लाइफ में बहुत गिने चुने लोगों की ज़िंदगी में वर्ल्ड कप आता है, तो वो अगर जीत जाते सॉर्टेड था सारा, क्योंकि उससे बड़ा सपना है ही नहीं कोई। अच्छा शमी भाई, एक चीज़ और देखी जा रही है, हमेशा हम देखते थे, IPL की बात में कर रहा हूँ, बल्लेबाज करोड़ों में बिकते थे, लेकिन अब एक दौर आ गया है कि अब सिर्फ गेंदबाजों की बोलबाला है, मतलब गेंदबाज आ रहे हैं करोड़ों बिक रहे हैं। ये जो एक मुकाम हासिल किया, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको लगता है कि हाँ, क्रिकेट में जो हम बात कहते थे कि यार बॉलर के साथ तो नाइंसाफी होती है, 2020 गेम तो बल्लेबाजों गेम है, लेकिन पॉकेट गर्म तो गेंदबाजों का हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है यार। मुझे अगर आप उठाकर देखो, गदा मजदूरी का काम आज भी बॉलर का ही है तो अगर आप देखते हो तो, अगर उसके हिसाब से आपको पे मिल रहा है, वो तो सभी को मिल रहा है यार। तो मैं तो चाहता हूँ बॉलर को सबसे ज़्यादा मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार उसको खानी है, बेइज्जती उसको झेलनी है, पब्लिक गालियाँ भी उसी को देती है कि इसने छक्के खा लिए, तो मिल भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। और IPL जैसा प्लेटफॉर्म बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज किया है।